दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। जी हाँ जी, इनको चाय पीने की आदत है, सुबह उठते ही बहुत लोगों को होगी, इसका नुकसान बताएं। देखिए, मैं एक ही मिनट में आपको बताना चाहता हूं कि चाय जो आप बनाते हैं उसमें चाय से ज्यादा नुकसान है चीनी। ये जो शुगर है ना, चीनी, इसका चाय के साथ कोई मेल नहीं है। अगर आप चाय पी रहे हैं, मैं से तो मत पिए क्योंकि आपकी तासीर के अनुकूल नहीं है। चाय के जो केमिकल है ना, भारत के लिए उपयोगी नहीं है, भारत में रहने वाले लोगों के लिए, यूरोप और अमेरिका के लिए बहुत अच्छी है यही चाय, हमारे लिए वो जहर है। कॉफी तो और भी ज्यादा, गर्म देशों में चाय कॉफी अच्छी नहीं है। फिर भी अगर आप पी रहे हैं, आप मानते हैं कि खराब है, लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है, तो मैं एक तरीका बता देता हूं। वो तरीका ये है कि चीनी की जगह गुड़ की चाय पी लीजिए। क्यों पी लीजिए वो समझिए। गुड़ जो है ना क्षारीय है और चीनी है ना अम्लीय है। चीनी जब डिसइंटीग्रेट होती है तो उसके जो अंतिम परिणाम है वो एक एसिड के रूप में ही है, और गुड़ जब डिसइंटीग्रेट होता है तो उसका अंतिम परिणाम है वो क्षार के रूप में है। आपके पेट में अम्ल वैसे ही बहुत है और सुबह सुबह तो ज्यादा ही होता है, और उस समय अम्ल वाली चाय और पिए जो चीनी मिलाई हुई है, तो ये एसिडिटी ही बढ़ाएगी आपकी। तो बेहतर है कि आप चाय पिए तो गुड़ वाली पिए। अब गुड़ वाली चाय जब पिएंगे तो दूध नहीं डाल सकते उसमें, क्योंकि दूध फट जाएगा गुड़ से, क्योंकि दूध और गुड़ की दोस्ती नहीं है। तो फिर बिना दूध की चाय पिए, तो आप काली चाय पिए, गुड़ डाल के पिए। और मेरी छोटी सी एक बात अगर मान लें कि अगर काली चाय गुड़ डालकर आप पी रहे हैं तो थोड़ा सा नींबू का रस डालें तो न्यूट्रलाइज होगी है। नींबू का रस एसिडिक है, गुड़ जो है ना क्षारीय है, तो गुड़ मिलाई हुई चाय को अगर न्यूट्रल करना है तो थोड़ा नींबू डालकर नींबू की चाय पिए। ठीक है, ऐसा कर। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।